हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोना। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं मॉल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आरुष का जो स्लीपर है, सैंडल जो भी है, उसको एक्सचेंज करना है। तो देख रहे, आरुष को लेके नहीं जा रहे और अभी मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहना है ये, बहुत ज्यादा बहुत पुराना है ये। आरुष हुआ था उसके पहले का है ये टी शर्ट। तो अब ठीक हो रहा है, थोड़ी मोटी हो गई हूँ मैं। पहले लूज होता था बट अब ठीक हो गया है। तो अभी 11 बज रहे होंगे, हम निकलते हैं। रेडी हो गई हूँ मैं, बस ऐसे ही चलूंगी। चलिए मिलते हो थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं और अब पता है हम आरुष को लेके नहीं जा रहे थे क्योंकि एक्सचेंज वगैरह करना था, तो ये थोड़ा कंसंट्रेट नहीं करने देता है। तो हमने सोचा था कि आरुष को लेके नहीं जाएंगे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने गेट खोल के जब मेरे हस्बैंड शूज़ पहनने लगे, तो इतने में अचानक आरुष ने देख लिया। और फिर वो जब उसने देख लिया तो अब उसे ना ले जाएँ। सो इन्हें वैसे मेरा भी मन बार बार हो रहा था कि यार चलते हैं मॉल जा रहे हैं, इसको ले कर चलते हैं। बहुत खुश होता है, बहुत इन्जॉय करता है। लेकिन मैंने भी दिल पे पत्थर रख लिया था कि चल नहीं लेके जाएंगे, नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे। बट इसने देख लिया था तो इसे लेके जाना पड़ा और इसने काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत खुश था ये, क्योंकि बहुत दिनों के बाद निकलता है ये। जल्दी इसको हम नहीं निकालते। आरुष, हेलो 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 बेबी। बहुत बहुत एक्साइटेड है वो, तो ये देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम मॉल पहुँच गए हैं और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो पहले सबसे पहले ये ही इसको बदलने का काम करेंगे। ऊपर है, मैं वही देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। इसका चप्पल, आरुष का जो सैंडल है, उसको मैं रिटर्न करने नहीं, एक्सचेंज करने। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्लीपर्स और ये यहाँ इसके चप्पल अधिकतर ऐसे होते हैं ना कि जैसे एंटी स्लिप होते हैं, जो स्लिप नहीं करते हैं अधिकतर, तो वैसे ही थे और लाइट वेट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आरुष का जो सैंडल लेके गई थी उसका जो एक नंबर और बड़ा था वो नहीं मिला, तो मैंने उससे दो नंबर बड़ा ले लिया ताकि ये ज़्यादा दिन तक पहन सके। और उसको भी, क्योंकि अभी इसका बढ़ता पैर है तो, और उसने इतना इजीली एक्सचेंज कर लिया, मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे तो लगा पता नहीं क्या बोलने वाला है वो, लेकिन मैंने बस उससे यही बोला कि भैया मैं लेके गई थी और छोटा हो गया। तो उन्होंने बोला कि नापा नहीं था क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं लेके नहीं आई थी आरुष को। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं मैडम, अगर इतने पैसे लगते हैं, 2 महीना भी बच्चा ना पहने तो क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा कि सही बात है, और बहुत इजीली उन्होंने चेंज कर लिया। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ चप्पल, और चप्पल का सबसे पहले रेड टैग ही देख रही हूँ क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा था। अच्छे तो लग रहे थे बट महंगे बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे कि आपको आगे पता चलेगा कि मैंने भी अपने लिए लिया है, और कौन सा लिया है वो मैं लास्ट में बताऊँगी और दिखाऊँगी भी आप लोगों को कि मैंने क्या लिया है यहाँ से। बट अपने, और वो भी लिया है हस्बैंड के जिद पे, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था इतना कोई लेने का मतलब। एक्चुअली मेरी जूती है वो टूट गई है, तो उसके बदले मुझे लेना था, बट मैंने सोचा नहीं था कि ये लूँगी मैं। फाइनली एक्सचेंज हो गया है और बहुत बड़ा हेडअप ख़त्म हुआ, और मैंने एक लिया है अपने लिए, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। मैं मम्मी दोनों पहन लेंगे, अब ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेशल अपने ले लिया है, मैं और मम्मी दोनों पहन लेंगे। साइज मैंने ले लिया है और मम्मी ज़्यादा बाहर जाती नहीं है तो मैं ही पहनूंगी, बट हाँ ये नहीं है कि हाँ स्पेशल। और अभी हम ढूंढ रहे हैं मिनीसो की, मिनीसो कहाँ पर है, किससे पूछें कि मिनीसो कहाँ है।
हाँ वही मैप ही, तो मैं तो सोच रही थी कि ये है मैप, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आरुष ने कैंडी देख लिया था, तो उसको अब यहाँ से लेना था। और ये कैंडी एक पैसे का अच्छा नहीं था, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी गंदी लोग पता नहीं कैसे लेते और इतनी महंगी ये मॉल में बेचते हैं। मुझे पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये कैंडी नहीं, जेली है सारी, और बस डिज़ाइन ही देखने में ही खूबसूरत लग रहे हैं, और उसने पूरा भर दिया और काफ़ी महंगा हो गया। उस 160 रुपये का शायद 100 ग्राम था, और मुझे नहीं पता था कि वो भरे जा रहा है भरते जा रहा है, लास्ट में इतना सारा बिल बना देगा। और लेकिन अब जब ले लिया लास्ट में, तो उसने अब क्या बोलूँ मैं, तो फिर लेना ही पड़ा। लेकिन मुझे घर पे लाके आरुष ने सारा फेंका है, वो चबा चबा के उसने, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और परफ्यूम डाला और इतना खट्टा है वो, मतलब नहीं, एक भी अच्छा नहीं लगा। भूख लगी है इसमें, भूख लगी है। Do you want some jelly? Red? Red jelly. Red jelly है ना? तो यहाँ पे म्यूज़िक बंद करना पड़ गया था, क्योंकि अंदर उधर सॉन्ग चल रहा था और उसका कॉपीराइट आ जाता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था बर्गर, और हस्बैंड ने नहीं, आरुष बोल रहा था कि बर्गर खाना है, तो उसके लिए बर्गर ऑर्डर किया। तो पहले थोड़ा सा ही खाएगा या फिर हस्बैंड खा लेंगे। और मैंने लिया था मसाला डोसा हल्दीराम से, और ये बर्गर बर्गर किंग से लिया है। बर्गर किंग का जो बर्गर है वो काफ़ी टेस्टी लगता है, तो आरुष भी खा लेता है। और बाहर आया है तो बच्चा भी होता है ना, कि पहले तो बिल्कुल नहीं खाता था, इसलिए मन भी नहीं होता था इसको लाने का, कि कुछ खाता तो है नहीं, लेकिन अब नहीं। और यहाँ पे मैं उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रही हूँ, बट उसमें आइस देख के वो पीना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। वैसे अगर नॉर्मल रहता तो पी लेता, लेकिन आइस देख के नहीं पी रहा है ये। तो वो, और बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राई दिया था उन्होंने, तो वो फ्रेंच फ्राई भी खा रहा है और बर्गर भी खा रहा है। तो ये देखिए, ये है डोसा, और ये काफ़ी टेस्टी होता है। हल्दीराम्स का डोसा जो होता है वो बहुत टेस्टी लगता है मुझे, क्योंकि उसका जो डोसा होता है वो प्योर घी, देसी घी में बना होता है, और वो पूरा रोल करके नहीं देते, बीच में आलू डाल देते हैं और उसके ऊपर से डोसे को ऐसे वो पूरा रोल नहीं करते हैं, बस ऐसे पलट देते हैं और बीच में वो डालते हैं। और चटनी और इसका सांभर भी काफ़ी टेस्टी लगता है, तो मैं वही खा रही हूँ। और आरुष भी खा रहा है, आरुष भी बहुत मन से खाता है डोसा, डोसा उसका हल्दीराम्स का, घर पे भी खाता है। और मैंने बोला कि हस्बैंड को कि पहले आप भी थोड़ा सा खा लो, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है और हैवी हो जाता है। खाने को तो खा लेते हैं, उसके बाद खाने के बाद ऐसा लगता है बस सो जाएं। तो आरुष भी खा रहा है, मैं भी खा रही हूँ, और हस्बैंड भी खिला रहे हैं, वही है ना। और यही सब सोच के अगर हम लोग अकेले जाते और यहाँ पे कुछ खाते, तो ये वाली फीलिंग नहीं आती है कि हाँ बच्चा वहाँ घर पे है और हम लोग खा रहे हैं। तो जो तसल्ली अभी मिल रही है कि हाँ बच्चा भी खा रहा है साथ में और हम भी खा रहे हैं, वो वाली फीलिंग ना घर पे इसको छोड़ के जाते तो नहीं आती। पर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि आरुष भी इंजॉय कर रहा है और हम लोग ने भी इंजॉय किया है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो जाना नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई मैं, तो 2:30 बजे ही गई थी वहाँ से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज कर दिया है, लेकिन वही है, एक्सचेंज करना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिद करने लगे कि तुम भी ले लो एक ये क्रॉक्स का। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसका प्राइस इतना ज़्यादा होता है ना, कि वही सुन देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने बोला नहीं, इतनी महंगी नहीं लूँगी, इतना तो मेरी 4 चप्पल आएंगी। तो फिर अब वो दुकान वाले के सामने ही मतलब इतना बोलने लगे, तो फिर मुझे ना मजबूरी में लेना पड़ा। बहुत सबके हस्बैंड होते हैं जो नहीं दिलाते, मतलब बहुत सारे, सबके नहीं बोल रहे, बहुत सारे हस्बैंड होते हैं परेशान रहते हैं कि भाई कितना शॉपिंग करते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरा उल्टा है, मैं परेशान रहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि ये कुछ बोल ना दे कि ये ले लो, और फिर वहाँ पर मुझे ना मजबूर होना पड़ता है और मुझे लेना पड़ जाता है, क्योंकि फिर वो लोग भी सोचेंगे कि इतने ढीठ है हस्बैंड दिलाने के लिए, परेशान है और ये ले नहीं लिया। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई, मेरे लिए क्या लेके आए थे, मैंने क्या लिया। ये काफ़ी अच्छा है, और
जैसे कि मैंने बताया था मैं और मम्मी दोनों पहन लेंगे और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है सूट साड़ी, जींस पे भी लगभग चला ही जाएगा, अगर जींस पे नहीं पहनूंगी तो सूट और साड़ी पे तो जाएगा। जींस के लिए एक जूती है मेरी वो रखी है, वो पहन लूँगी। बट ये इस स्टाइल का मैंने इसलिए लिया है ना ताकि मम्मी भी पहन सके। अगर दूसरे टाइप का लूँगी जो क्रॉक्स का फेमस है ऐसे जिग जैग वाला ऊपर से, तो वो मैंने नहीं लिया क्योंकि फिर मम्मी नहीं पहनेंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं पहनूँ। और इसका जो ये चीज़ है ना, ये मैं दिखाऊंगी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी कि ये क्या है एक्चुअली। देखिए जी, इसका ये मटेरियल है ना, ये बहुत प्यारा है, ये निकलने वाला नहीं है। इतना पैसा लिया है इन्होंने तो कुछ तो ऐसी चीज़ देंगे जो मतलब अच्छी लगेगी। तो ये देख रहे हैं मटेरियल, इसको कुछ नहीं होने वाला है और ये ना निकलेगा, ऊपर से कोट किया हुआ पूरा। तो देखा आपने, और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं छोटी छोटी, वो आरुष की है, मैंने कुछ नहीं लिया है सिवाय इसके। इसी में ये लगता है 2300 या 2400 की, 2400 की ऐसी है या उसके ऊपर भी होगी, मैंने रेट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। 2900 पता नहीं, बट हाँ अच्छी लगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगी। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे आते हैं नए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो देख लेते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो लाइक, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।